इंडस्ट्री में दबंग खान यानी सलमान खान की जो जगह बनी हुई है उसके बारे में शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत है। बेशक यहाँ पहुँचने के लिए स्टार्स को काफ़ी संघर्ष करने पड़ते हैं, सलमान ने भी किए होंगे, लेकिन आज के समय में कई स्टार्स किड्स बिना संघर्ष किए ऊंचाइयों तक पहुँच जाते हैं। ऐसे में पुराने स्टार्स का दबदबा खत्म हो जाता है, लेकिन सलमान खान को शायद अब तक कोई पीछे कर पाया होगा, फिर चाहे सलमान की फिल्में हो या फिर सलमान का रुतबा। सलमान की अगर फिल्में नहीं चलती हैं तो वो हर साल रियलिटी शो बिग बॉस से अच्छा खासा पैसा कमा कर करोड़पति बनते हैं, लेकिन शायद इस बार ऐसा ना हो। इसके पीछे एक कारण नहीं बल्कि कई सारे कारण बताए जा रहे हैं जो सलमान खान को इस बार करोड़पति बनने से रोक सकते हैं। इस साल सलमान की कमाई पर सबसे ज़्यादा फर्क तो खतरनाक बीमारी से पड़ने वाला है। उसके बाद सुशांत के जाने के बाद जिस तरह से सलमान का विरोध हो रहा था वो शायद सलमान की कमाई पर अच्छा खासा असर डाल सकती है। जैसा कि आपने देखा, सुशांत के जाने के बाद कई वीडियोस और फोटोज के जरिए सलमान खान को भी जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके बाद लोगों की नज़रों से सलमान बिल्कुल उतर चुके हैं और ये नुकसान उन्हें बिग बॉस में देखने को मिल सकता है। कई लोग सुशांत के बाद से सलमान को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, उनकी फिल्में और बिग बॉस को बहिष्कार करने लगे। और अगर सलमान की वजह से बिग बॉस बंद हुआ तो सलमान को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। जी हाँ, सलमान इस साल हर एपिसोड के लिए 16 करोड़ फीस ले रहे हैं। अब आप जानिए 3 महीने चलने वाले बिग बॉस से सलमान कितने करोड़ों रुपए कमाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सलमान जैसे पहले मालामाल थे वैसे ही इस साल भी होंगे, और फिर आप यही कह सकते हैं कि सुशांत के जाने के बाद भी सलमान की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि पहले की तरह उनकी ज़िंदगी रंगीन ही बनी रही। वहीं बीमारी की बात करें तो इस साल बीमारी की वजह से शो में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे बेड नहीं दिया जा रहा है कंटेस्टेंट को और ना ही एक साथ सोने की इजाज़त मिलेगी। बीमारी की वजह से कंटेस्टेंट जितना दूर रहकर गेम खेलेंगे उतना ही ठीक रहेगा, और ना ही कोई भी कंटेस्टेंट एक बर्तन में खाना खाएगा, बल्कि शो में कंटेस्टेंट को दूरी बनाकर टास्क खेलने को दिए जाएंगे जिससे वो एक दूसरे को छू ना सके। इनके अलावा इस बार सलमान के लिए एक और मुसीबत सलमान को बर्बाद करने के लिए खड़ी है। दरअसल बिग बॉस के दौरान ही सलमान को हिट एंड रन केस में कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, और पता नहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में सलमान का कितना वक्त बर्बाद हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी शो से छुट्टी भी हो सकती है। शायद तभी इस बार सलमान के साथ सिद्धार्थ शुक्ला शो को होस्ट करते नजर आएंगे। सलमान की मजबूरियों की वजह से ही इस साल सिद्धार्थ शुक्ला, हीना खान और गौहर खान को लाया गया है। खैर, ये तो बाद में ही पता चलेगा कि सुशांत और कोर्ट के चक्कर में क्या सलमान बर्बाद हो जाएंगे या फिर उनकी ज़िंदगी रंगीन ही बनी रहेगी। वैसे आप भी सुशांत और सलमान को लेकर अपनी राय ज़रूर दें। मिलम न्यूज़ रिपोर्ट।